आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब संस्कार से, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं सदियों से हैं। लेकिन ये भी सही है, आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र की, जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है। लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। सबका प्रयास, इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है, अच्छा होता उसे खुले मन से स्वीकार किया गया होता, उसका स्वागत किया जाता होता, उसका गौरवगान करते। बीते 2 सालों में 100 साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकट पूरी दुनिया की मानव जात झेल रही है। जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया, उन्होंने, उनको तो आशंका थी, इतना बड़ा विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता, ये आदतें, ये स्वभाव, शायद ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, भारत अपने आप को बचा नहीं पाएगा, यही उनकी सोच थी। लेकिन आज स्थिति क्या है, मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है। आज भारत 100% पहली डोज इस लक्ष्य को के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? भारत जैसे, आपको मैं बहुत, प्लीज प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने, अधिरंजन जी, आपको पर्याप्त समय, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया, कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? अरे क्यों? लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं, अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं, इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मौका दूंगा आपको, प्लीज, देखिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है, आपको मैंने पर्याप्त, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। प्लीज, पहली लहर के दौरान वो मैंने आप देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब डब्ल्यूएचओ
दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी, जो है उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी राजनीति है, मानव जात पर संकट के समय ये कैसी राजनीति है, ये दलगत राजनीति कब तक चलेगी? आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के इस आचरण से सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश अचंभित है। दो साल से देश 100 साल के सबसे बड़े संकट से मुकाबला जूझ कर रहा है। कुछ लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, देश उसे सोच में पड़ गया है। क्या ये देश आपका नहीं है? क्या ये देश के लोग आपके नहीं हैं? क्या उनके सुख दुख आपके नहीं हैं? इतनी बड़ी संकट आया, कई राजनीतिक दल के नेता जरा आत्मनिरीक्षण करें, कितने राजनीतिक दल के नेता जो जनता के माने हुए नेता अपने आप को मानते हैं, उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की हो, अपील की हो, भाई कोरोना का एक ऐसा संकट है, वैश्विक महामारी है, आप मास्क पहनो, हाथ धोना रखो, दो गज की दूरी रखो। कितने नेता हैं, क्या ये बार बार देश की जनता को अगर कहते तो उसमें कोई बीजेपी की सरकार को क्या फायदा होने वाला था, मोदी को क्या फायदा होने वाला था? लेकिन इतने बड़े संकट में भी, इतना सा पवित्र काम करने से भी चूक गए।